करेंगे एक किचॉफ्स लॉ, क्या होता है उसका एप्लीकेशन, क्या क्या होता है, वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, और इससे हम सर्किट को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का सर्किट को। किचॉफ्स लॉ का इन्वेंशन किया था किचॉफ ने 1845 में। ये एक एक्सटेंडेड थ्योरी था, साइमन ओम्स ने जो थ्योरी दिया था उसका। किचॉफ लॉ को तो उसमें लॉ आते हैं, एक आता है किचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग सब केसीएल बोलते हैं, और एक आता है केवीएल, जिसको हम लोग सब बोलते हैं किचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल का एप्लीकेशन है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या है कि किसी भी नोड पे, ये हमारा नोड है, नोड क्या होता है वो हम लोग सब नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। नोड, किसी भी नोड पे जो टोटल इंटरिंग करंट होता है वो इक्वल्स टू होता है टोटल आउटगोइंग करंट के। दैट मींस यहाँ पे इंटरिंग करंट है, ये देखिए ये इंटरिंग कर रहा है किस पे, इस नोड पे I1 और I2 भी इंटर कर रहा है, और I3 एंड I4 जो है वो लीविंग करंट है। तो जो इंटरिंग करंट है उसका समेशन और जो लीविंग करंट है उसका समेशन एक दूसरे के इक्वल होगा। इसको जो हमारे राइट हैंड साइड में जो I3 प्लस I4 लिखा हुआ है उसको अगर हम लोग सर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ये इक्वेशन पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन बनाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू जीरो। और दूसरी ओर KVL जो है वो हो गया किचॉफ वोल्टेज लॉ। किचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या बताया जाता है कि एक क्लोज लूप, ये हमारे पास एक क्लोज लूप है A B C D एंड A जो है वो हमारा क्लोज लूप है, और ये इस क्लोज लूप में जो हमारा वोल्टेज होगा वो इक्वल टू होगा जीरो। यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट है, एक है एक्टिव एलिमेंट एक है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट हमारा पॉजिटिव में होगा, और पैसिव एलिमेंट हमेशा जो हमारा जो वोल्टेज जो एक्टिव एलिमेंट देगा वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। यस, कुछ टाइम नेगेटिव हो सकती है वोल्टेज यहाँ पर, लेकिन आपको देखना है ये करंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये जो IR है ये कंज्यूम कर रहा है हमारा वोल्टेज को। अब ये IR को अगर हम लोग सब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा V-IR इक्वल्स टू जीरो, और ये हमारा मेश एनालिसिस का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इसका कॉमन टर्म्स जो हम लोग सब नेटवर्क में यूज करते हैं वो है पहला सर्किट, पाथ, नोड और ब्रांच। सर्किट एक बेसिकली क्लोज्ड पाथ है जो जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है नेटवर्क, जबकि एक ओपन लूप होता है। सर्किट और नेटवर्क में बेसिकली ये डिफरेंस है, सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ और नेटवर्क जो है वो ओपन लूप होता है। पाथ क्या होता है, पाथ एक सिंगल लाइन होता है जो एलिमेंट्स और सोर्स को कनेक्ट करता है। नोड, ए नोड इज ए जंक्शन जहाँ पर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, आ करके मिलते हैं। ब्रांच क्या होता है, ब्रांच एक सिंगल या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से कोई भी नेटवर्क को सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, और इसको सॉल्व किस तरह से करना है। पहले हम लोग सब KVL से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, फिर बाद में इसी क्वेश्चन को हम लोग सब KCL से भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों में हमारे पास सेम आंसर आता है। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें कितने क्लोज लूप है। मेस एनालिसिस या लूप एनालिसिस को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि इसमें सबसे पहले कितने क्या है क्लोज लूप। तो हम लोग सब देख पा रहे हैं यहाँ पर दो क्लोज लूप है, एक है ए बी सी डी एंड ए और एक है बी ई एफ सी एंड बी। ये हमारे पास दो क्लोज लूप है, दो क्लोज लूप है तो हम लोग को दो लूप करंट इसमें बनाना होगा। तो पहला करंट जो हम लोग सब बनाएंगे लूप करंट वो बनाएंगे कुछ इस तरह से, जिसको हम लोग सब डिनोट करेंगे आई वन से, और दूसरा भी हम लोग सब लूप करंट बनाएंगे वो भी उसको हम लोग सब डिनोट करेंगे आई टू से। बेसिकली ये जो लूप का जो डायरेक्शन है ये आप एंटी क्लॉक वाइज भी ले सकते हैं, क्लॉक वाइज भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको बनाने में सुविधा हो। बेसिकली हम लोग सब एक क्लास चल रहा है तो हम लोग सब सीखेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको अब हमारे पास दो लूप मिल चुका है, दो लूप मिल चुका है तो फॉर लूप ए बी सी डी एंड ए इसमें हम लोग सब केवीएल लगाएंगे। इसमें केवीएल लगाने का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग सब आई वन का डायरेक्शन देखेंगे, आई वन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट क्या करेगा कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा कितना करंट जा रहा है इसमें, इसमें जा रहा है माइनस 5 आई वन। अब आते हैं इस लूप में इस ये 5 वोल्ट भी है, 5 ओम भी है सॉरी। तो इस 5 ओम में हमारे करंट का डायरेक्शन आई वन का नीचे की ओर है, करंट है आई टू का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो होगा आई वन माइनस आई टू और यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है माइनस 5 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सब अगर रिड्यूस करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 10 आई वन माइनस 5 आई टू इक्वल्स टू 12। ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। उसी तरह से हमारे पास फॉर लूप हमारे पास बी ई एफ सी ई में हमारे पास जो करंट है करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस 6 वोल्ट और ये कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, कंज्यूम करेगा माइनस 5 आई टू को और फिर माइनस 5 आई टू माइनस आई वन इक्वल्स टू 0। एक डिफरेंस है यहाँ पर आई वन पहले है इसलिए क्योंकि ये लूप रेफरेंस है किसका आई वन का, यहाँ पर आई टू पहले है क्यों क्योंकि इसका लूप रेफरेंस है आई टू वाला। तो अब इस इक्वेशन को हम सब रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 5 आई वन और प्लस 10 आई टू इक्वल्स टू 0। इसको या तो हम क्रैमर्स ये दूसरा इक्वेशन इसको या तो हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं या तो डायरेक्ट कैलकुलेटर जो हमारे पास अवेलेबल होती है इंजीनियर्स के लिए
वो है 991 ms। वो कैलकुलेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैलकुलेटर रहा, इससे हम सब दोनों I1 और I2 का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल से हम लोग देखते हैं, क्रैमर्स रूल में पहले हमारा जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा जो हमारे पास इक्वेशन है 10 और -5 और -5 एंड 10। डेल्टा 1 इक्वल्स टू हमारा बनेगा 6 इसको हम लोग सब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग सब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 -5 -5 को हम लोग सब अब तोड़ते हैं। पहला डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 में, पहला डेल्टा 1 डिटरमिनेंट होता है 10 -5 -5 10 का। डेल्टा 1 डिटरमिनेंट होगा फर्स्ट जो हमारा ये चीज है, इसको हम लोग सब रिप्लेस कर देंगे 12 एंड -6 से, तो ये हो जाएगा 12 एंड -6 और -5 एंड 10। और डेल्टा 2 हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा 10 -5 और फिर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सब रिप्लेस कर देंगे 12 -6 के साथ। इसका वैल्यू हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 100, 10 × 10 100, -5 × -5 25 हो जाएगा और 100 - 25 = 75, ये हो जाएगा 120 एंड 120 - 30 दैट विल बी 90 एंड डेल्टा 2 विल बी इक्वल्स टू ये -60 एंड हमारे पास +60 हमारे पास वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमारे पास I1 और I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पहले I1 इक्वल्स टू delta 1 by delta एंड I2 विल बी इक्वल्स टू delta 2 by delta, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 90 / 75 एंड एम्पेयर एंड इसका हो जाएगा वैल्यू 0 एम्पेयर। तो यहाँ पर अगर आपसे किसी भी रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो ये I1 विल बी इक्वल्स टू 90 - 90/75 एम्पेयर, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा I1 - I2 और जो कि वही 90 / 75 आएगा और इसका वैल्यू हमारे पास 0 आएगा। तो ये था क्रैमर्स रूल के थ्रू इसका वैल्यू हम लोग सब डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको राइट साइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिख रहा होगा जिसे हम लोग सब कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सब देखेंगे कि इसमें हमारे पास 3 लूप हैं, इसका नेमिंग करेंगे I1 I2 एंड I3। ठीक है, किसी तरह का क्वेश्चन हो
सीधे क्या करना है आपको, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को बना लेना है। अब इक्वेशन लिखते हैं फॉर लूप आई वन। हमारे पास सबसे पहले लूप आई वन है, पहले लूप आई वन क्यों देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये 12 माइनस 6 आई वन माइनस 5 आई वन माइनस आई टू, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम सब सॉल्व करेंगे, ये 6 5 11 आई वन और ये माइनस 5 आई टू इक्वल्स टू 7। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा फॉर लूप आई टू। लूप आई टू की ओर देखेंगे, सेम प्रोसीजर 5 माइनस 5 आई टू माइनस आई वन माइनस 12 आई टू माइनस 5 आई टू माइनस आई थ्री इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 5 सबसे पहले, और ये हो जाएगा आई वन माइनस 5 आई वन 5 17 5 22 प्लस 22 आई टू, और लास्ट में आई थ्री, आई थ्री विल बी माइनस 5 आई थ्री। क्वेश्चन 5 ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फॉर लूप आई थ्री, आई थ्री को देखेंगे, आई थ्री में हम जब देखेंगे तो हमारे पास पहला ये पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 3, फिर माइनस 5 आई थ्री माइनस आई टू, फिर माइनस 9 आई थ्री इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सब रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा, ये माइनस 3 है तो इक्वल्स टू माइनस 3, और ये पूरा पार्ट को राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 14 आई थ्री, उसके बाद माइनस माइनस 5 आई टू और 0 आई वन इक्वेशन नंबर 3। इसको हम लोग सब कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, आई वन आई टू एंड आई थ्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारे पास आई वन इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0.81 एम्स, आई टू इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0.39 एम, और आई थ्री इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ रहा है माइनस 0.07 एम। कैलकुलेटर में किस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करना है ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसको हम लोग सब क्रैमर्स रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अब हम लोग सब आते हैं नोडल एनालिसिस में, वही सेम क्वेश्चन करेंगे किस तरह से नोडल एनालिसिस को बेसिक समझेंगे, क्या होता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको। इसी क्वेश्चन हम सबसे पहले हमें पता करना है कि कितने नोड हैं हमारे पास। एक पहला नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, ये तो दूसरा नोड जो नीचे की ओर है इसको हम लोग वीजी बोलते हैं, और वीजी इक्वल टू
जीरो होता है, ग्राउंड वाला पार्ट है, न्यूट्रल वाला पार्ट है। अब ऊपर में जो नोड है इसको हम लोग सब वी से डिनोट करते हैं करंट का, और इसको हम लोग सब मानेंगे ये हायर पोटेंशियल पर है। अब करंट का डायरेक्शन जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, तो हमारे पास करंट जो है करंट का डायरेक्शन वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको हम लोग मानेंगे आई वन, ठीक है, नीचे आई टू और इस तरफ आई थ्री, तो बाय बाय केसीएल, बाय केसीएल हमारे नोड पे जाओ टोटल इंटरिंग करंट विल बी इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरिंग करंट सारे लिविंग करंट है, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल्स टू जीरो। आई वन क्या है, आई वन हो गया वी माइनस टू एम डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस फाइव, आई टू क्या हो गया हमारे पास, I2 हो गया हमारे पास V माइनस Vg डिवाइडेड बाय 5, Vg इक्वल्स टू हमारा कुछ नहीं इक्वल्स टू जीरो है, और लास्ट में हमारे पास I3 बचता है, I3 इक्वल्स टू V माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। इस तीनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा V माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस V divided by 5 plus V minus 6 divided by 5 equals to 0। 5 LCM लेंगे right hand side भेजेंगे तो ये हमारे पास बचेगा V minus 12 plus V minus 6 equals to 0। तो हमारे पास 3V इक्वल्स टू 18 होगा और V इक्वल्स टू 6 वोल्ट आएगा। अब इससे हमारे को कहीं पर भी करंट फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास सपोज I1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो I1 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा सिक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ऊपर और नीचे 2 से तो हमारे पास आसानी होगा, ये आएगा माइनस 1 बाय 2 एम्पेयर। उसी तरह से I2 विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय 5, V डिवाइडेड बाय 5 जो कि हमारे पास है क्या 6 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 एम्पेयर, और I3 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0 एम्पेयर। आप देख सकते हैं कि हम इधर नोडल एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं किसी का भी वैल्यू कैलकुलेट किसी भी ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए, और या तो मैसेज तो KVL एंड KCL किसी भी प्रॉपर्टी का हम लोग सब यूज कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं KCL के प्रॉपर्टी से। हमारे पास सेम यहाँ पे फिर से तो नोड है एक ऊपर जिसको हम लोग सभी बोलेंगे, नीचे इसको बोलेंगे। यहाँ पर एक एडिशन किया हुआ है वो है ये एक करंट सोर्स हमारे पास बना हुआ आ रहा है और जो कि नोड पे एंटरिंग कर रहा है। सो वी हैव फिर से आई वन आई टू आई टू इसको हम लोग संभाल लेंगे इंटरिंग आई थ्री और इसको हम लोग संभाल लेंगे आई फोर। तो हमारे पास आई वन बाय KCL
हमारे पास आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है आई थ्री आई वन इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बी माइनस फाइव डिवाइड बाई टेन प्लस बी टू हमारे पास क्या है इससे हमारे पास v का वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन से इसको सॉल्व कैसे करना है आप एलसीएम ले सकते हैं या तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड करने के लिए ये वैल्यू आ जाएगा 0.1v माइनस 0.5 1 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास होता है 0.166 इसको हम लोग सब लिख सकते हैं प्लस 0.167 V plus 1 divided by 15 1 divided by 15 हमारा होता है 0.06666 तो इसको हम लोग सब लिख सकते हैं 0.067 V और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1 1 3 3 3 और इक्वल्स टू 2 सारे में एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास 0.1 प्लस 0.167 प्लस 0.067 हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है वैल्यू आ रही है 0.334 अब हमारे पास बचा क्या है ये और ये इसको हम लोग सब राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 0.1 3 3 2 2.367 इससे हमारे पास वी का वैल्यू आ जाएगा 0.0334 ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू दे रहा है 7 वोल्ट का अब इससे हम लोग सब किसी भी आई वन आई टू या आई फोर का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बस वैल्यू पुट करना है आपको उस इक्वेशन के साथ आई वन के लिए ये वाला आई टू के लिए ये वाला आई फोर के लिए ये वाला एक न्यूमेरिकल हम लोग सब कहते हैं जब डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ हो तब पहले तो ये किस तरह का सोर्स है ये सोर्स है वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंडेंट है करंट पे तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले हम लोग सब देखते हैं केवीएल से सेम यहाँ पे लूप बनेगा आई वन और यहाँ पे लूप बनेगा आई टू इसको एक लूप लिखने का एक तरीका है आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दो ये 10 है इसको हम लोग सब पहले फॉर लूप आई वन लिखते हैं अभी फॉर लूप आई वन 5 और 5 आई वन के साथ एसोसिएटेड है तो ये हो जाएगा 10 आई वन और ये 5 आई टू के साथ भी एसोसिएटेड है तो ये माइनस 5 आई टू इक्वल्स टू कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन इस तरह से आप कर सकते हो जब इधर वोल्टेज रिकॉर्ड लगा हुआ है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो क्या करना है एसोसिएशन देखना आई वन के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है ये रेसिस्टेंस
ये रेसिस्टेंस, तो 5 + 5 = 10 I1, ये 5 ओम रेसिस्टर I2 के साथ भी कनेक्टेड है, बट रेफरेंस लूप क्या है I1, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -5 I2 = 10 वोल्ट, ये हो गया पहला इक्वेशन। यहाँ पर प्लस और माइनस डिपेंड करता है कि क्या है, यहाँ पे माइनस प्लस की ओर जा रहा है तो इसलिए +10 वोल्ट। यही अगर इसका पोलैरिटी रिवर्स होता तो ये -10 होता। अब यहाँ पर I = क्या है, I = है हमारे पास, चूंकि I का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये हो जाएगा I1 सोर्स, ये जो I1 जो है, ये जो रेफरेंस है क्या है, डाउनवर्ड है, और इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है I1 का, और बट I2 का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो सबसे पहले I1 और उसके बाद -I2। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो इसको ऑब्वियसली -2 I1 -2 I लिखेंगे, ये ऑब्वियसली = होगा किसके, यहाँ पे फिर से देखेंगे 5 और ये दोनों 5 किसके साथ एसोसिएटेड है, I2 के साथ, और सो रेफरेंस क्या है I2, तो 5 + 5 = 10 I2 हो जाएगा, और -5 I1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस बीच में साइन। I का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 I1 -I2 = -5 I1 + 10 I2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगा, फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगा इट इज -2 I1 -2 I2 = -5 I1 + 10 I2। अब इसको आप किसी भी डायरेक्शन इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3 I1, और ये फिर उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -8 I2 = 0। ये हो गया इक्वेशन 2। कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमारे पास I1 का वैल्यू आया 1.23 amps और I2 का वैल्यू आया 0.46 amps।